इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का दोस्तों ऐसा तरीका सीखेंगे, इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व कर लेंगे जिसमें आपको क्या कहा जाए यहाँ पर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर, आर डिजिट बाई 7, 6, 4, 3, कुछ भी जो आपको दे दिया जाएगा उसको आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्वप्रथम टू डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक इसका पता लगाना है। तो देखिए आपका फर्स्ट जो डिजिट है वो कितना है, 10। देखिए 9 की बात करें, आपका वन डिजिट नंबर है, लेकिन ये आपका टू डिजिट नंबर है। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो 99 आपका टू डिजिट नंबर है, उसके बाद आगे जब 100 है वो आपका थ्री डिजिट नंबर है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो पहले पता लगाओ कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 7 है। तो देखो पहला कौन है आपका, 10। 10 में 7 का डिवाइड किया कितना, 1 टाइम, माइनस किया रिमाइंडर 3 आ गया। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जितना टाइम कंप्लीट डिवाइड हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो जिससे डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7। 7 वन डिजिट है, इससे अगला 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, इसमें 7 ऐड करने से आएगा। तो इसमें 7 ऐड किया कितना गया, 14। ये टू डिजिट नंबर, यानी आपका फर्स्ट टू डिजिट नंबर कौन है जो डिविजिबल बाई 7 है, 14 है। उसके बाद इसमें अगेन 7 ऐड किया तो कितना आ गया, 21 आ गया। अगेन 7 ऐड किया, 28 आ गया। बस इतना ही लिखना है स्टार्टिंग में, एक दो टर्म लिख दो। उसके बाद लास्ट का पता करते हैं कि यहाँ पे 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो कितना है, 99। 99 में दोस्तों 7 का डिवाइड किया, 1 टाइम चला गया, ठीक है, कितना, 4 टाइम चला गया, माइनस किया आपका, सॉरी 1 आ गया। अब करना क्या है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 28 कितना, 98 आ गया। तो यहाँ पे लास्ट कौन सा नंबर है दोस्तों आपका, 98 है, जो कि डिविजिबल बाई 7 है। ओके, ऐसे करके है जो आपको पहले इस सीरीज़ को पता लगाना है जो टू डिजिट नंबर की है और क्या है, 7 से डिविजिबल है। और ये दोस्तों जो आपकी सीरीज है ये वास्तव में क्या है, आपका एपी है। क्या है ये, एपी है। तो एपी में हमें क्या करना है, यहाँ पर कुल पद कितने ये पता लगाना है, और ये वे संख्याएं हैं जो क्या है, डिविजिबल बाय 7 है। यदि इनकी ये कितनी है ये पता लग जाए तो हमारा इसका आंसर यही है। क्या पूछा इसने, कितनी कितने नंबर है, हाउ मेनी, कितने नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 7 है, तो इसको हम अंतिम पद को पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे पता लग गया कि ये अंतिम पद कौन सा है, 10वां है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने हैं, 10 टर्म है, 10 संख्याएं हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया लेट ए एन बराबर कितना, 98, और ए बराबर देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है इसका फर्स्ट टर्म, डी बराबर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका दोस्तों, 7 है, ठीक है। अब हम ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो देखो ए एन का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू रख दो, एन का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, डी का वैल्यू रख देते हैं। देखिए इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस का है, देखो 14 किसका है, प्लस का है, तो साइड चेंज करेंगे माइनस का हो गया। यहाँ पर देखो ये 7 इसके मल्टीप्लाई में है, इसको साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई से किस में चला जाता है दोस्तों, डिवाइड में चला जाता है। ओके, यहाँ पे कितना आ गया, 4, 8, इसमें 7 का डिवाइड किया कितना, 1 टाइम, 2 टाइम, n माइनस 1 बराबर कितना, 1, 2। तो आपका n बराबर कितना आएगा, देखिए माइनस 1 को मैं दूसरी साइड लेकर आऊँगा तो होगा क्या, माइनस का है, दूसरी साइड आकर आपका प्लस हो गया, तो n बराबर कितना आ गया, 1, 3 आ गया। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, यहाँ पे हाउ मैनी की जगह दोस्तों 1, 3 आ गया। ओके, 1, 3 ऐसे नंबर है जो कि 2 डिजिट के हैं और डिजिट बाई 7 है। धन्यवाद।